हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से इस पर्टिकुलर वीडियो में बात कर लेते हैं हिंदी के पेपर की। सामान्य हिंदी और निबंध का 200 मार्क्स का पेपर हुआ था। ACF RFO को जो मेन्स एग्जाम चल रहे हैं फेब मंथ में, उसका ये पेपर है। यह आपका 24 तारीख को कंडक्ट हुआ है। इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हैं। इसको सॉल्व करना इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि इस साल दो मेन्स पेपर होने हैं, एक 2019 वाला होगा, 2020 का भी कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा। लगातार प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत पड़ती है इस मेंस पेपर को लिखने के लिए। हालांकि थोड़ा सा सिलेबस इसमें डिफरेंट था क्योंकि ये जो दो क्वेश्चन आए हैं आपके, ये एक ब्रजभाषा वाला एक समास वाला, तो ये जो 20 नंबर क्वेश्चन हैं थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि वैसे आपके मेंस एग्ज़ाम में, UPPCS के मेंस एग्ज़ाम में और RO मेंस के एग्ज़ाम में संक्षेपण गद्य वगैरह ज़्यादा आता है और विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, ये सब आते हैं। अब की बार इसमें ये कोर व्याकरण ज़्यादा पूछी है और ये थोड़ा सा साहित्यिक क्वेश्चन भी है ब्रजभाषा अवधि का। खैर, इन सभी के आंसर मैं आपको रिटर्न लिख के अभी शो करूँगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है इनके कैसे बनाए जाते हैं और आगे आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। मेंस वाले जो जरूर इसको देखिएगा, ये देखिएगा कि आंसर में लिखना क्या क्या होता है, क्योंकि हिंदी का पेपर बहुत लंबा नहीं होता है। इसमें आपको क्वालिटी चीज़ें लिख करके आनी है, इसमें स्केलिंग भी नहीं होती है। इसमें अगर आप जो है कम से कम 100-110 तक अगर पहुँचते हैं 150 में से मेंस वाले पेपर में, तो बहुत अच्छा यहाँ पर आपका स्कोर बन जाता है और आप सिलेक्शंस तक भी पहुंच सकते हैं। क्योंकि जो लोग जो 70-60 में रह जाते हैं उनको एक तरीके से बड़ा नुकसान है। हिंदी में कम से कम जो है 100 नंबर तक आराम से लाए जा सकते हैं। खैर, अब बिना देर के स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपको पेपर चाहिए और सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। ये हमने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फ्री टेलीग्राम ग्रुप में मैं सोल्यूशन भी शेयर कर दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले करना क्या है इसमें, सबसे पहले आपको इसमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, प्रश्नों के उत्तर देना है। ये कितने नंबर का है, ये है आपका 4, 5, 6 और 5, ये हो गया करीब जाके 9, 5, 30 नंबर का, और ऐसे दो आते हैं मेन इसमें, तो समझ लीजिए काफ़ी बड़ा ये पोर्शन होता है। इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। दुख में आत्मदया यानी खुद पर तरस की भावना और अपने अकेले और खोखलेपन की चिंता विपुल रूप से रहती है। विपुल का मतलब यहाँ पर पता होना चाहिए आपको कि अधिक, ठीक है, अधिक मात्रा में रहती है। जब तक कोई अपने अकेलेपन और खोखलेपन से अवगत हो जाता है तब उसमें आत्मदया उपजती है और इस आत्मदया को हम दुख कहने लगते हैं। इसलिए जब हम मन में सचेतन या अचेतन रूप से दुख की विद्यमानता रहती है तब तक मन में लेश मात्र भी शांति या स्थिरता नहीं रह सकती है। मन में शांति और स्थिरता तभी आ पाती है जब सुंदरता का एहसास हो, प्रेम हो। आप सौंदर्य को प्रेम से अलग नहीं कर सकते। सौंदर्य ना तो अलंकार होता है ना ही सलीका। ये पर्वत श्रृंखलाओं की रेखाओं में नहीं है और ना स्थापत्य कला में। इसका आगमन तब होता है जब आप ये जान लेते हैं कि प्रेम क्या है। परंतु प्रेम को जान पाने की संभावना तब तक होती है जब तक आप में प्रज्ञा, सरलता, सादगी और सुव्यवस्था ना हो। अभी जो अंडरलाइंड है इसको भी एक्सप्लेन करना है बाद में। यह सब आपको कोई नहीं दे सकता, ना कोई संत, ना देवता, ना महात्मा, कोई भी नहीं। संसार का कोई भी कितना माना हुआ व्यक्ति का क्यों ना हो, आपको ये नहीं दे पाएगा। एक इंसान की तरह आपको इस संपूर्ण संरचना को समझना होगा, अपने जीवन, दैनिक जीवन की संरचना और प्रकृति को समझना होगा। आप क्या क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, आपके प्रयोजन क्या हैं, आपका व्यवहार कैसा है, इन्हीं सब निष्कर्षों और पूर्वाग्रहों के मकड़ जाल में आप किस तरह फंसे हुए हैं, आपको शुरुआत से यही चीज़ करनी होगी, अर्थात अपने दैनिक जीवन में। यदि आप इसी में पूर्णतः और समग्र रूप से परिवर्तन नहीं ला पाते हैं, स्वयं में एक संपूर्ण क्रांति नहीं ला पाते हैं, तो स्थिर और शांत मन को आप कभी नहीं जान पाएंगे। क्योंकि यह स्थिर और शांत मन ही जो अन्वेषण कर सकता है, यह शांत मन ही है जो जानता है कि सत्य क्या है। चूँकि इसमें कोई कल्पना नहीं है इसलिए इच्छाएं भी सिर नहीं उठाती हैं। ऐसा मन शांत होता है और केवल तभी एक आनंद अवतरित होता है जो शब्दों में वर्णित नहीं हो सकता है। इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको 4 नंबर का शीर्षक देना है। शीर्षक हमेशा जो है छोटे से छोटा रखना चाहिए, ये कहा जाता है। आप 3 वर्ड का शीर्षक बनाइए। शीर्षक में आपको बताया जाता है कि शुरुआत में या तो आपको उसका मूल भाव मिल जाता है या अंत की लाइनों में, जो बिल्कुल सही है, ज़्यादातर केसेस में हमको मिल जाता है। यहाँ पर आप शांत मन, मन को शांत होने के तरीके, मन को शांत क्यों रखना है, क्या अनुभव करना है, प्रेम का अनुभव, सौंदर्य की अनुभूति, ये सब करनी है, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, ऑथर ने अपने सुझाव यहाँ पर रखे हैं, ठीक है। अब इसमें शीर्षक क्या हो सकता है, शीर्षक लिखने के लिए सबसे ज़्यादा जो आपको चीज़ ध्यान रखनी है वो है मूल भाव, सेंट्रल आइडिया। अगर पकड़ लिया कि है क्या, तो आप इसको कर सकते हैं कि सेंट्रल आइडिया यहाँ पर मन है, ठीक है, मनुष्य का मन ही है। मन जो है कितनी बार आया है, इतनी बार आया तो हमको शीर्षक में उसको लेना ही पड़ेगा। मन की शांति, ठीक है, ये हमने ले लिया है, ये मेरे हिसाब से एक अप्रोप्रिएट हो सकता है शॉर्टेस्ट वर्ड में। अगर आप थोड़ा सा और रिस्क लेना चाहते हैं, लंबा करना चाहते हैं, तो इसको मन की शांति और आनंद कर सकते हैं, या फिर मन की शांति और फिर जो ये लगा के लिख सकते हैं आत्मिक आनंद, ऐसा कर सकते हैं। ये एक अप्रोप्रिएट शीर्षक हो सकता था। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि अगर मन यहाँ पर आपने लिया है
तो आप जो है कम से कम 2 नंबर यहाँ पर जरूर ले जाएंगे। मन जिस लोगों ने इंक्लूड नहीं किया इसमें, उनका शीर्षक मेरे हिसाब से थोड़ा सा हट गया है विषय से। अब इसी में से क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए आत्मदया क्या है। आत्मदया जो है केवल, अब कुछ लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि जहाँ पर लिखा हुआ है आत्मदया वहीं पर उसको बताने लगते हैं, जबकि ऐसा करना चाहिए कि आत्मदया पूरे पैराग्राफ में इज इक्वल टू क्या बताया गया है वो लिखना है हमको, ठीक है। तो आत्मदया में हम क्या लिखेंगे, आत्मदया का आशय लिखेंगे सबसे पहले, कि मतलब क्या है, सचेतन रूप से स्वयं पर पड़ने वाले दुख का अनुभव करना और उसके प्रभावों के प्रति चिंतित होना, ये होता है आत्मदया, ठीक है। जब हम अपने मानसिक खालीपन और मानसिक शांति के अभाव की अनुभूति करते हैं तो स्वयं में आत्मदया उत्पन्न होती है। ये इतना काफ़ी होगा 5-5 मार्क्स के लिए। अप्रोप्रिएट लिखना है यहाँ पर आत्मदया। अगर आप जो है पहले आपने सब कुछ बता दिया पीछे का और उसके बाद का और आत्मदया का मतलब नहीं बताया जो आपने समझा पैराग्राफ से, तो आपका गलत हो जाएगा। ये कुछ कीवर्ड्स आने चाहिए थे यहाँ पर। अब हमको क्या करना है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। 6 नंबर में दिया है, रेखांकित अंश कितने हैं, 3 हैं, यानी कि सबको 2-2 नंबर में निपटाना है। तो इसमें बहुत लंबा नहीं लिखिएगा आप, जो मेन आइडिया समझ में आ जाए वो लिखना है। जैसे जो चीज़ यहाँ पर कम शब्दों में लिखी गई है या फिर जो है अच्छे से नहीं समझ में आ रही है उसको समझाने का प्रयास करना है, यही होता है व्याख्या। व्याख्या पल्लवन में यही अंतर होता है कि जो चीज़ जो है कंसाइज में लिखी हुई है उसको अप्रोप्रिएटनेस की ओर ले जाना व्याख्या है, और जो चीज़ जो है बहुत डिटेल में लिखी हुई है उसको गिस्ट फॉर्म में ले जाना, जिस्ट फॉर्म में ले जाना पल्लवन है। एक्चुअली में इसमें 2 ही जो है अंडरलाइन है, ठीक है। ये तो जिनका पेपर है उन्होंने अंडरलाइन किया है ना, तो 2 अंडरलाइन है। 3-3 मार्क्स में हमको लिखना है। प्रेम को जान पाने की संभावना तब तक नहीं होती है जब तक आप में प्रज्ञा, सरलता, सादगी और सुव्यवस्था ना हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से हम लोग करेंगे, प्रेम रूपी सौंदर्य का अनुभव करने के लिए, उसे समझने के लिए मनुष्य को स्वयं को तैयार करना पड़ेगा, अपने मन को तैयार करना पड़ेगा, उसे स्थिर करना पड़ेगा। केवल इसी स्थिति में हमारा मन अपने पूर्व के अनुभवों और भविष्य के लिए पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर प्रेम की अनुभूति कर सकता है या प्रेम को जान सकता है, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, क्योंकि ये स्थिर और शांत मन ही है जो अन्वेषण कर सकता है, ये शांत मन ही है जो जान सकता है कि सत्य क्या है। इसमें भी आप यही दोनों चीज़ बता सकते हैं कि आखिर मन को शांत क्यों करना है, मन को शांत करने के तरीके क्या हैं, मन को शांत करने से होगा क्या। इन दोनों के कीवर्ड आप ले सकते हैं कि मतलब प्रेम का अनुभव करना है, इस वजह से मन को शांत करना है, उसको स्थिति में लाना है कि जो है मन समझ पाए कि आखिर प्रेम का सौंदर्य होता कैसा है और उसकी अनुभूति है कैसी। उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूर्वाग्रहों से मुक्त होना पड़ेगा, अपनी दैनिक दिनचर्या में जो सुधार लाना पड़ेगा। अब जैसे आप संक्षेपण करेंगे आगे, तो संक्षेपण के पॉइंट भी उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है 2 आंसर जो है 6 मार्क्स में इतना लिखा जा सकता था। अगला क्वेश्चन जो है एक जो है आपका कम से कम कह सकते हैं बहुत बड़ा बाइट है, ये 15 नंबर का है और इसको करना भी बहुत आसान है, क्योंकि आपको इसमें एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको इसमें छोटा करना है। इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट इजी टास्क है, यानी कि जिनको आता है उनके लिए बहुत इजी, और जिनको नहीं सब मतलब समझना है इसमें कि करना क्या है आपको संक्षेपण में, आपको इसको शॉर्ट करना है, इसकी गिस्ट पकड़नी है कि जो इतनी सारी लाइनें और ये वर्ड लिखे हुए हैं करीब मैंने काउंट के 355 के करीब, आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब कि अगर 355 में लिखा हुआ है तो इसका 1/3 में हम इसको क्या लिख सकते हैं, यही संक्षेपण है। तो आप इसको करीब 120 वर्ड में क्या लिख सकते हैं, ठीक है। 120 वर्ड का टारगेट रखिए आप। सबसे पहले काउंटिंग जरूरी है, कुछ लोग ऊपर से देख लेते हैं फिर लिखना चालू करते हैं, नहीं। मेरे हिसाब से आप जो है एक रफ काउंटिंग जरूर कीजिए लाइनों की गिनती करके, उनमें एक लाइन के वर्ड आप गिन लीजिए, पूरी लाइनें गिन लीजिए और आप एक रफ आइडिया निकाल लीजिए कि कितने वर्ड हैं आखिर, और आपको 1/3 करना है। 1/3 ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है, ठीक है। 1/4 भी कुछ लोग करते हैं इसको, लेकिन 1/3 तक रखना चाहिए। तो ये हमने काउंट किया, 355 वर्ड्स थे इसमें। अब देखते हैं कि इसके 3 सेंट्रल आइडियाज़ क्या हैं और उसको जो हम 120 वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं। संक्षेपण का 15 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। दुख का अनुभव करने की स्थिति में हम आत्म दया का भी अनुभव करते हैं, जिससे हमारा मन स्थिर और शांत नहीं रह पाता है। हम मन को स्थिर तभी रख सकते हैं जब हम प्रेम रूपी सौंदर्य का अनुभव करने लगते हैं और मन को इसके लिए तैयार करने लगते हैं। मन को तैयार करने के लिए प्रज्ञा, सरलता, सादगी, सुव्यवस्थित स्थिति अर्जित करना आवश्यक होता है, जो हमें स्वयं अपने प्रयासों से अर्जित करना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा। दूसरे के सानिध्य से यह प्राप्त नहीं होगा। अपनी दिनचर्या का मनन चिंतन करके अपनी अतीत के अनुभवों और भविष्य के प्रयोजनों और वर्तमान में किए जा रहे प्रयासों का मूल्यांकन करके करना होगा, तभी मन की शांति की स्थिति तक पहुंचा जा सकता है और प्रेम रूपी सौंदर्य का या प्रेम रूपी आनंद का अनुभव किया जा सकता है। यहाँ पर बार बार मैंने सौंदर्य लिख दिया है, यहाँ पर आप आनंद लिख सकते थे, ठीक है।
और एक लाइन और इसमें जोड़ सकते थे कि जो आनंद महसूस होगा वो आनंद अतिरेक होगा और उसको खाली जो है मन को शांत करने वाला व्यक्ति ही अर्जित कर सकता है। तो ये थोड़ा और शॉर्ट है, एक लाइन की और इसमें गुंजाइश है जिसमें प्रेम का वर्णन किया गया कि प्रेम है कैसा, वो जो अगर उसको अनुभव कर लिया प्रेम को, वही सच्चा प्रेम है, सही वही सच्चा अनुभव है। ये एक रफ आपका संक्षेपण हो सकता था, कम से कम ये कीवर्ड तो आने ही चाहिए थे कि मन को शांत करना, ये कीवर्ड आना चाहिए था कि सादगी सरलता सुव्यवस्थित स्थिति अर्जित करना जरूरी है, कीवर्ड ये आना चाहिए था कि जो है हम अपनी दिनचर्या का जीवनचर्या का मनन चिंतन करें तभी जो है अनुभवों को प्राप्त कर सकते हैं, पूर्वाग्रहों को हटाना पड़ेगा, भविष्य के प्रयोजनों और वर्तमान में किए जा रहे प्रयासों की जो है एनालिसिस मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन हमने निपटा दिया, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आपको इसमें शासकीय और अर्धशासकीय में अंतर स्पष्ट करना, ये 20 नंबर का चंक क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत अच्छे से लिखना चाहिए था, इसमें पूरी अपनी क्रिएटिविटी लगाइए। अंतर स्पष्ट करने के लिए आप एक मतलब कॉलम्स बना सकते थे, उसमें लिख सकते थे एक तरफ सरकारी एक तरफ अर्ध सरकारी, उनका जो है बता सकते थे। अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको करीब 10-12 पॉइंट बताए थे अंतर के, और ज़्यादातर बुक्स में भी होते हैं, मतलब मेरा खाली क्रेडिट नहीं है, अगर आप बुक से भी पढ़ के गए होते तो इस पर कर लेते। अर्थशास्त्री का एक उदाहरण लिखना था इसमें, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे वीडियो का स्क्रीनशॉट है, मैंने दिखाया था, ये हमारे स्टूडेंट में से किसी ने लिखा था, आरओ ग्रुप का ये कॉपी है। तो इसमें हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि कम से कम ये 5-6 पॉइंट तो लिखे ही जा सकते थे मोटे मोटे कि अर्ध सरकारी और सरकारी में अंतर क्या है। सरकारी पत्र अधिक औपचारिकता की तरफ होता है, अर्ध सरकारी में इतनी औपचारिकता नहीं होती है, सरकारी पत्रों में पत्रांक जो है मध्य में होता है, अर्ध सरकारी में मार्जिन से बाईं साइड सटा करके लिखते हैं। मान लीजिए ये नहीं भी याद है आपको तो सरकारी पत्रों में संबोधन महोदय महोदया के द्वारा किया जाता है, वहीं अर्ध सरकारी पत्रों में जो है प्रिय शब्द ला सकते हैं क्योंकि उसमें आत्मीयता का भाव होता है। अर्ध सरकारी पत्रों में अर्ध सरकारी पत्रों के पत्रांक संख्या का संदर्भ की तरह प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अर्ध सरकारी पत्रों में सरकारी पत्रों का संदर्भ की तरह प्रयोग हो सकता है। ये जो है आपने मतलब बताया है कि मतलब इसका मतलब है क्या कि अर्ध सरकारी पत्र में क्यों बताते हैं पुराने पत्रांक के बारे में, क्योंकि अर्ध सरकारी पत्र तभी लिखे जाते हैं जब पहले किसी से बात हो चुकी हो, मतलब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी से बात कर रहा है तो उससे पहले भी बात कर चुका है और उसके बारे में जानता है। शासकीय पत्रों में समापन भवदीय के साथ होता है, वह अर्थशासकीय पत्रों में आपका सद्भावी लिख सकते हैं, ठीक है, ये सब जो है लिख सकते हैं, मतलब आत्मीयता थोड़ी सी दिखा सकते हैं। एक और यहाँ पर लिखा जा सकता है कि जो मेन बॉडी होती है, मुख्य जो सामग्री होती है उसमें आप जो है जोर देकर कह सकते हैं, क्योंकि आप जिसको जानते हैं उसको आप जोर दे करके कह सकते हैं कि नहीं मेरा काम करवाइए आप, लेकिन जहाँ औपचारिक होता है वहाँ आप उतनी ही बार उसको इंसिस्ट कर सकते हैं जितना सही लगता है मोरल रूप से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना था। अर्धशासकीय पत्र जो है एक लिख सकते थे आप, ये हमने लिखवाया था अपने ग्रुप में जब प्रैक्टिस चलती थी हमारे यहाँ पर, ये हमने लिखवाया था कि वार्षिक परीक्षाओं के संचालन में व्याख्याताओं की कमी पड़ गई है, एक जो प्राचार्य हैं राजकीय महाविद्यालय मिर्ज़ापुर के, ये उनको लिख रहे हैं, निदेशक उच्च शिक्षा के जो हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ में बैठते हैं उनको ये लिख रहे हैं कि इनके राजकीय महाविद्यालय मिर्ज़ापुर में व्याख्याताओं की कमी है और अब होना है पेपर। तो ये कम से कम जो है अंतिम मतलब इतने शॉर्ट नोटिस में व्याख्याताओं की नियुक्ति करवा दें, ठीक है, वार्षिक परीक्षाओं में संचालन के लिए व्याख्याताओं की नियुक्ति के संबंध में ये लिखना है। इसमें जो है ये पूरा फॉर्मेट इधर से होता है कि इधर पत्र संख्या होगी, इधर फिर प्राचार्य होगा राजकीय महाविद्यालय मिर्ज़ापुर, ये दिनांक ये हो गया, उसके बाद विषय लिख सकते हैं आपकी वार्षिक परीक्षाओं के संचालन में व्याख्याताओं की नियुक्ति, ये विषय हो गया। प्रिय आबासा जी, आपको अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या दिनांक द्वारा प्रदेश सरकार ने महाविद्यालयों की वार्षिक परीक्षाओं में स्पष्टता और पारदर्शिता का विशेष ध्यान देने का आदेश दिया है, जिसे सुचारू रूप से संचालित करने के लिए महाविद्यालय को 5 अन्य व्याख्याताओं की आवश्यकता है। अब इसमें विषय भी लिख सकते थे कि इन विषयों के व्याख्याताओं की आवश्यकता है, अतः उक्त संबंध में श्रीमान जी से अपेक्षित है कि व्याख्याताओं की उपलब्धि और नियुक्ति को संज्ञान में लेते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करने का कष्ट करें, ठीक है। तो ये कष्ट करने लिख दिया है, खैर इसको जो है थोड़ा सा सही किया जा सकता था अर्ध सरकारी के हिसाब से, ये अधोहस्ताक्षरी भी नहीं, इसमें लिख सकते थे कि मुझे सूचित करने की कृपा करें या फिर जो है इसको करवाएं, ठीक है, उपलब्धि करवाने करके मुझको कृतार्थ करें, ऐसा लिखा जा सकता था यहाँ पर। ये थोड़ा सा सरकारी की तरफ है, इसको चेंज करना है कुल मिला के। अधोहस्ताक्षरी ये वर्ड्स जो हैं ये सरकारी में आते हैं, ठीक है, अर्धशासकीय में नहीं आ सकता है। ससम्मान जो है ये लिख सकते हैं या फिर और भी कुछ आत्मीयता संबंधी लिख सकते हैं कि
आभार लिख सकते हैं, ऐसा सम्मान लिख सकते हैं, आपका सद्भावी ये लिख सकते हैं बिल्कुल, अर्थशास्त्री में प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय मिर्ज़ापुर, और जिनको लिखा है उनका नाम इधर पे, ठीक है, आबा साहब निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो ये एक अर्थशास्त्री का फॉर्मेट हो गया, आपने ये कर दिया, तो कम से कम जो है इतना लिख के 15 मार्क्स तक फेच किए जा सकते थे आसानी से। अब समास के बारे में पूछ रहे हैं कि समास के बारे में बताइए और सोदाहरण परिचय दीजिए, तो मतलब 5 आप जो है डेफिनेशन का मिलेगा और 5 जो है उदाहरण का मिलेगा, 2 पार्ट में क्वेश्चन। तो इसको भी कर सकते थे आप, अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विस के हिंदी के वीडियो देखे हैं समास का तो आपने कर लिया होगा इसको। समास में एक टिपिकल डेफिनेशन जो बुक्स में होती है वही आप लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, कि 2 पदों से जो हम तीसरा पद बना देते हैं उसको समास कहते हैं। आप और अच्छा करने के लिए पद की परिभाषा दे सकते थे कि पद जो है शब्द से अलग कैसे होता है, ये बता सकते थे। आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें जो एक्सप्लेन करना है तो आप और 2 डेफिनेशन लिख दीजिए समास की। अनेक शब्दों को संक्षिप्त रूप से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। कम से कम शब्दों में अधिक से अर्थ प्रकट करना समास कहलाता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों, पदों और परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उनसे जो अधिक शब्द बनाए जाते हैं जो स्वतंत्र होते हैं उनको सामासिक शब्द कहते हैं, और उन 2 या 2 से अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वो समास कहलाता है। इतनी डेफिनेशन काफ़ी होगी। अब आप सीधे टाइप्स पर आ जाइए, जो है अगर चाहें तो वे विग्रह वाला बता सकते थे, एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ वाकई समास वगैरह सब अच्छे से पढ़ के आए हैं। आपको पता हो कि एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद, किसी टाइप में पूर्व पद प्रधान हो जाता है, किसी में उत्तर पद हो जाता है, पहले वाले पद को पूर्व पद कहते हैं, बाद वाले को उत्तर पद कहते हैं, या थोड़ा विग्रह करके भी दिखा सकते थे। इसमें पूजा ग्रह है तो पूजा के लिए घर, और राजपुत्र तो राजा का पुत्र, और ये अब टाइप्स पर आ जाइए। संधि और समास का अंतर चाहे तो लिख सकते थे, मतलब ऐसे तो आप क्रिएटिव और भी कर सकते थे क्योंकि टाइम काफ़ी होता है हिंदी के पेपर में, ये और थोड़ा सा लिख देते तो और पता चल जाता कि आपको अच्छे से पता है। आप भी टाइप्स लिख दीजिए कि आपको तत्पुरुष समास पता है, कर्मधारय पता है, द्विगु पता है, बहुव्रीहि पता है, अव्ययीय भाव पता है, नत्र समास पता है, नञ समास बोलते हैं वैसे उसको, तो तत्पुरुष में क्या होता है ये आप बता देते, और उदाहरण कम से कम लिख देते कि जैसे ये तत्पुरुष समास जो है ये कैसे कैसे बनता है, इसमें जो है कर्ता तत्पुरुष होता है, कर्म तत्पुरुष होता है, इसमें विभक्तियाँ लगती हैं कारक की, ठीक है, इस तरीके से मतलब आप कर सकते थे। ये मेरी PDF है हिंदी की जो UP SSC ग्रुप को मिली हुई है, इसमें तो खैर बहुत डिटेलिंग में है, आप कम से कम जो है 1.5 पेज का आंसर आपको लिखना चाहिए था, कम से कम काफ़ी सारे 5 कम से कम आपको उदाहरण देने चाहिए थे इसमें, तत्पुरुष समास के कम से कम 2, कर्मधारय समास के 1, और फिर जो है बहुव्रीहि समास के, द्विगु समास आप बता देते कि जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है वो द्विगु समास होता है, पंचतंत्र पंजाब, पंचरत्न नवरात्रि, जब आराम से आप कर सकते थे कम से कम, मतलब मान लो आपको डेफिनेशन नहीं याद है आपको यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आपको उदाहरण याद है कि बहुव्रीहि का कैसे बनता है, दशानन बनता है, ठीक है, तो कम से कम वो लिख सकते थे। तो इस तरीके से समास वाला भी आंसर किया जा सकता था। बाकी अगला क्वेश्चन है कि अवधि और ब्रज भाषा में आपको साम वैषम्य का सोदाहरण करना है, तो मतलब कुछ तो इसी में जो इनका बहुत अच्छा नहीं तैयार रहता है वो नहीं समझ पाए होंगे कि साम वैषम्य क्या है। तो साम्य का मतलब है कि सिमिलैरिटी, और वैषम्य का मतलब है डिससिमिलैरिटी, तो आपको कुछ सिमिलैरिटी और कुछ डिससिमिलैरिटी के बारे में चर्चा करनी थी। यहाँ पर ज़्यादा साहित्यिक आप नहीं हैं अगर तो आप ना कर पाते, लेकिन कम से कम ये तो लिखा जा सकता था कि जो है अवधि इस क्षेत्र में बोली जाती है और ब्रज भाषा उस क्षेत्र में बोली जाती है। थोड़ा सा भी अगर आपने इधर उधर के दोहे पढ़े हैं, कि अगर कबीर के आपने अवधि में पढ़े हैं, और जो है कम से कम जिन्होंने कृष्ण पर लिखा है उनका व्यू ने ज़्यादातर ब्रज भाषा में लिखा है, तो उनका कंपैरिजन आप कर सकते थे दोहा वगैरह लेके कि उनकी भाषा ऐसी है उनकी वैसी है। खैर हम आपको आंसर दिखाते हैं जो लिखा जाना चाहिए था एग्जैक्टली। अवधि और ब्रज भाषा में जो टेक्निकल अंतर लिखने से पहले आप लिखेंगे कि कहाँ से इनका विकास हुआ है। अवधि जो है अर्धमागधी से आई है, अर्धमागधी से विकसित कोसली अपभ्रंश से आई है। ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, लखनऊ, उन्नाव, अयोध्या, कोंडा, बहराइच, फतेहपुर, रायबरेली में बोली जाती है, ठीक है। और ब्रज भाषा कहाँ से बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है शौर सैनी अपभ्रंश से निकली है, ये बदायूं मैनपुरी में बोली जाती है। अवधि में ईकार होता है और ब्रज भाषा में यकार होता है। ये कार का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे कोई वर्ड होगा वैसे अभी दिखाएंगे एग्जांपल आपको, तो वो ई पे एंड होता है अवधि वाली लैंग्वेज में, और ब्रज भाषा में या पर एंड हो जाता है। अवधि में जो है कर्ता में ने चिन्ह का प्रयोग जो है नहीं होता है, ब्रज भाषा में ने चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। अवधि में ऊ जो है वो वाह हो जाता है, जैसे ऊहाँ जो है वहाँ, हुआ को हुआ, ये हो जाता है वहाँ पर, ठीक है।
यानी कि जो है कोई अगर वहाँ बोलेगा अवधि में तो उहाँ बोलेगा, ठीक है। अवधि में इया और उआ के बीच जो है या और वा का अंतर होता है, ब्रजभाषा में ये मिलता है। जैसे सियार है तो वहाँ पर स्यार बोला जाता है, पुआल को पुआल बोल दिया जाता है भोजपुर, सॉरी अवधि में। अवधि में शब्दों में दो स्वर लगातार आ सकते हैं, जैसे भाईस कौन दुई दुआर, ठीक है। ब्रजभाषा में प्रवृत्ति नहीं होती कि दो जो है स्वर एक साथ आ रहे हैं। मतलब एटलीस्ट अगर आपको थोड़ा भी उत्तर प्रदेश का नॉलेज है ये भाषा की कि कौन कहाँ से है, तो ये थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया जा सकता था। 5 नंबर तो आप एग्जामिनर से छीन ही सकते थे कि आपको पता है। अवधि में ए और औ संध्यक्षर होते हैं, जैसे आई आऊ कैसा पैसा औरत। ये जो है ब्रजभाषा में ए और औ का उच्चारण ए और औ की तरह होता है, कैसा पैसा औरत। मतलब अवधि में कैसा को क्या बोलेंगे कैसा, और पैसे को क्या बोलेंगे पैसा। ब्रजभाषा में जिन शब्दों का मध्य में अंत में ला आता है अवधि में, उनकी जगह रा का व्यवहार होता है, जैसे केला फल हल हल्दी, ठीक है। ब्रजभाषा में ये क्या, ब्रजभाषा में ये रहेंगे, और अवधि में क्या हो जाएंगे, केरा हो जाएगा, फर हो जाएगा, हर हो जाएगा, हरदी हो जाएगा। अवधि में संज्ञा के 3 रूप होते हैं, सामान्य, दीर्घ और दीर्घतर। मतलब ये जो है अनोखी है, अवधि की अनोखी बात है ये, और कहीं नहीं मिलेगी। अवधि जो लोग बोलते हैं वो घोड़ा को घोड़वा भी बोल सकते हैं, घोड़ानुआ भी बोल सकते हैं, घोड़ाउना भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 रूप जो हैं ये जनरली आपको कहीं नहीं मिलेंगे, अवधि में मिलते हैं। अवधि में यदि अकारांतकता की प्रधानता है तो ब्रजभाषा में ओ या औ की कारांतकता है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण सब में आपको देखने को मिलेगा, गोर सांवर बड़ मोर तोर ये अवधि में बोलते हैं, और ब्रजभाषा में वहीं आपने सुना होगा गोरो है सांवरो है बड़ो है तेरो है मेरो है छोटो है, ये आपने सुना होगा। मतलब अगर आप मतलब ये फिल्म वगैरह भी देखते होंगे तो आपने नहीं सुना होगा, मथुरा में लोग ऐसे बोलते हैं कि आ गओ मेरो है ये तेरो है मोर मेरो श्याम आ गओ, ऐसे बोलते हैं वहाँ पर। अवधि में वर्तमान काल की सहायक क्रियाएं लगती हैं, आटे बाटे आहे, भूतकाल में भाय रहे गावा रहे जाय रहे, ऐसे बोलते हैं। वहीं प्रत्यय लगाकर होती है, मतलब आप सब ये सब बता सकते थे जो जो आप सुनते हैं। बस मान लो आपको टेक्निकल नहीं पता है कि कैसे क्या होता है, आप वही एक लाइन खींच देते, एक तरफ ब्रजभाषा लिख देते, एक तरफ जो है अवधि लिख देते, और सेंटेंस उसमें बताते चले जाते कि वो उसमें ऐसा होगा इसमें ऐसा होगा। ऐसे भी जो है आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को, सब्जेक्टिव पेपर है, कोई बाउंडेशन नहीं मानना चाहिए इसमें। भूतकाल में हुतो हुती हुते ये सब चलता है, और इनके अलावा भाय रहे इन सब रूपों का प्रचलन है, ठीक है। और जैसे जो है भविष्य काल में अवधि में लिखना है तो लिखते हैं कि रही हैं ये यहाँ रही हैं, जई हैं वो खई हैं, ये सब बोल देते हैं। अवधि में वर्तमान कालिक कृदंत प्रत्यय लगता है, मारत है मारित, ब्रजभाषा में तू लगता है, ठीक है। अवधि में भूतकालिक कृदंत रूप जो है, मतलब कुल मिला के ये सब जो है आप लिख सकते थे, और जिन लोगों ने नहीं अच्छे से पढ़ के गए होंगे उनको स्किप करना पड़ा होगा। फिर बाकी हम देखें इसमें मुहावरे हैं वाक्य प्रयोग हैं। इस बार थोड़ा सा एस्टॉनिशिंग है क्योंकि 25 मार्क्स में पूछा है, ठीक है। वैसे क्या होता था कि 10 आते थे मुहावरे, वो होते थे 20 मार्क्स के, दो दो नंबर का होता था। इसमें 25 मार्क्स का रखा है, यानी कि एक मुहावरा करीब 5 मार्क्स का है। तो इसमें अप्रोप्रिएटनेस बहुत ज़रूरी है, आपको अर्थ भी पता होना चाहिए और वाक्य भी आपका अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर बुकिश लिखेंगे तो मेरे हिसाब से नए नंबर मिलेगा। यहाँ पर आँखें नीची होना, इसका क्या लिखेंगे आप, आंखें नीची होने का मतलब है कि शर्मसार हो जाना। वाक्य प्रयोग करेंगे कि पुलिस जब वारंट लेकर घर पहुंची तो बनवारी लाल को विश्वास नहीं पड़ रहा था उनके पुत्र के सामने, मतलब उनको उनको पुत्र अपने पुत्र को सामने से हथकड़ी ले जाकर देखते हुए पूरे मोहल्ले ने देखा। पूरे मोहल्ले के सामने उनके पुत्र को हथकड़ी लगाकर ले जाया गया। बनवारी लाल के आत्माभिमान की जो लोग मिसालें देते थे, आज सबके सामने उनकी आंखें नीची हो गईं। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि हमको एक सेंटेंस में करना चाहिए, कोई ऐसी बाउंडेशन या कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, ठीक है। हमेशा ही जो है आप स्वतंत्र हैं, काफ़ी टाइम है। अगर आपको लगता है कि 5 मार्क्स में जो है इतना बड़ा सेंटेंस लिखना चाहिए कि आप आँख ही नीची होना एकदम अच्छे से एक्सप्रेस हो जाए मुहावरा, तो आप वो सेंटेंस लिखिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जो बुक में एक लाइन का लिखा है वही याद कर रहे हैं। उसके बाद पूछा है कंगाली में आटा गीला, तो कंगाली में आटा गीले का मतलब होता है कि विपत्ति पर विपत्ति पटना। रवि की नौकरी छूटे 5 दिन भी नहीं बीते थे और उसकी पत्नी ने तलाकनामा भिजवा दिया, इसे कहते हैं कि कंगाली में आटा गीला। कंगाली में आटा गीला कोई ये मत सोचिएगा कि खाली आर्थिक परिस्थितियों की बात होती है। कंगाली में आटा गीला जो है एक नोशन है कि बार बार जो है व्यक्ति मुसीबत में
मुसीबत पर मुसीबत पड़ती चली जाती है। तो एटलीस्ट दो मुसीबतें जरूर बताइएगा आप अगर कंगाली में आटा गीला का कर रहे हैं वाक्य प्रयोग। धज्जियाँ उड़ाना, धज्जियाँ उड़ाने का मतलब होता है कि किसी की कृति या रचना की कटु आलोचना करना या सिंपली आलोचना करना, सिंपली निंदा करना, किसी की भर्त्सना करना, तो धज्जियाँ उड़ाना। फिल्म चाहे कैसी भी बनी हो, कैसी भी अच्छी बनी हो चाहे ख़राब, सिनेमाई परिदृश्य में उसका मूल्यांकन करना एक बात है और पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर उसकी धज्जियाँ उड़ाना एक बात है। फिल्म समीक्षकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप रिव्यू वगैरह देखते हैं तो हमेशा इस बात की दुहाई दी जाती है कि फिल्म समीक्षक जो है किस विचारधारा को प्रमोट करते हैं, उन्हें क्या फील होता है, इससे ज़्यादा जो है उनको ये देखना चाहिए कि फिल्म कैसी बनी है, उसमें क्या सीन्स यूज़ करे हैं, एक्टिंग परफॉर्मेंसेस कैसी हैं, कास्ट कैसी है, ये सब देखना चाहिए। तो ये एक अप्रोप्रिएट हो सकता है। बखिया उधेड़ने का मतलब होता है रहस्य खोलना या पोल खोलना। तो इसका कर सकते थे कि सिर्फ अपने राजनैतिक लाभ के लिए नागरिकता संशोधन कानून की आलोचना करने वालों की गृह मंत्री ने जमकर बखिया उधेड़ी। ठीक है, तो ये जो है मतलब ये आता रहता है न्यूज़पेपर में। अगर आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कभी कभी तो आपने देखा होगा ये सब आता रहता है। हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि अच्छा ये मुहावरा भी था, ये सब आ जाता है हमारे एग्जाम में। अप्रोप्रिएट भी है, रीसेंट की घटना से भी है, अगर एग्जामिनर पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि हाँ ये इंटेलिजेंट है, मतलब इंटेलिजेंट अटेम्प्ट है। लेना एक ना देना दो, ये हमारे मतलब कानपुर में बोला जाता है काफ़ी मुहावरा। इसका मतलब होता है कि कोई बिना मतलब के, ठीक है, बिना किसी प्रयोजन या बिना किसी फायदे के। तो अपनी कन्या के गुण ढंग से लेना, लेना एक ना देना दो, सबको सरकारी नौकरी करने वाला वर चाहिए। तो ये जो है मतलब कि लेना एक ना देना दो को मतलब इग्नोर करना किसी चीज़ को, कि अपने गुण ना देखना, अपने गुण से ना लेना एक ना देना दो, उससे कोई मतलब ना होना, हमको बस चाहिए। बाकी यहाँ पर आखिरी चीज़ बच रही है, इसमें 5 नंबर का है, आपको इसका जो है तत्सम रूप लिखना है, यानी कि अपने आप में तद्भव है, इनका तत्सम बनाना है। ये सर ने मुझसे पूछा था तो मैंने उन्हीं को बताया था। अब सर ने हमसे पूछा कि आप बता दीजिए इसका क्या होता है, तो पहचान का मतलब प्रतिभिज्ञान होता है, कंगन का मतलब कंकण होता है, और बिच्छू का रक्षक बन जाता है, भीख भिक्षा और ढीठ ध्रष्ट। ये करना काफ़ी आसान था वैसे, मतलब इतना भी आसान नहीं था, अगर ऑप्शन होते तो बड़ा आसान हो जाता है इसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया था पढ़ाते समय ये तत्सम तद्भव कि हमेशा जो है कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ना जो है जनरली अड़ा में चेंज होता है, ये छा और छा जो होते हैं ना, ये छा और छा ये जनरली जो है बदल जाते हैं क्षा में, तो ये हो गया वृक्षक, और भीख भिक्षा खा जो है छा में चेंज हो जाता है क्षा में, छत्री वाले क्षा में, और ठा और ढा जहाँ भी होते हैं जनरली आधा शाह आ जाता है। ठीक है, तो ढीठ का ध्रष्ट, भीख का भिक्षा, भिक्षु का वृक्षक, कंगन का कंकण और पहचान का प्रतिभिज्ञान। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाला, उसमें मैं यहाँ पर पोस्ट कर दे रहा हूँ सोल्यूशन।